भाई जी जिन्हें भी तुम इस चैनल ना जुड़े हो इस वीडियो अच्छे शेयर जरूर कर दौ क्योंकि तो एक शेयर के नाल ये बाई की मदद हो सकती है। पिछले तकरीबन डेढ़ दो साल तो यह मंजे ही है पर कुछ टाइम से बाई जी बड़ा वधिया अपने जीवन में गुजार रहा है बच्चों का पालन पोषण कर रहा है राजगिरी का काम करता पर अचानक सट लग जाती है और मंजी पर बैठ जाता। शुरुआती दौर के जिन्ना कुछ पैसा से वह सारा बाई ये लगा चुकया कुछ जिनी भी पूंजी कमाई से वह भी लग गई पर अज भी ये मंजे ते बैठा तुसी देखते हो तुर नहीं सकता व्हील चेयर ते चलता ते बाई जी अपने नाल बाई जी की नाम गुरदेव सिंह नवचंद सिंह पिंड कंसोल वीर जी मंजे के उपरों कि मैं दसा कि डेढ़ दो साल हो गया लत्तां दे विच कोई हलचल होंदी है? नहीं जी लत्तां दे विच कोई हलचल नहीं होंदी। ते की काम कर रहे सी जदों ये सट लगी? मैं मैसां दा काम करदा सी ते मेरे ते पिलर डिग गया सी पिछे सिर च वजन नाल ना मेरी हड्डी का तौन की रीढ़ की हड्डी का बचाव हो गया सी ते रीढ़ की हड्डी जंप खा के माला बैंड हो गई है बैंड होने नाल मणका स्ट्रैचर हो गए ने मणके स्ट्रैचर होने करके मेरे को चल नहीं पा रहा। जो तुम सट लगती है तो कितने दाखिल किन्ना टाइम कि हॉस्पिटल च रहे? मैं अमृतसर रहा एक महीना पाँच दिन। भाई खर्चा बहुत करना औखा हों जिन्हें तुम पहला दो गलों बात जो तुम पूछा भी खर्चा लग भी काफ़ी चुका किन्ने को पैसे हूँ तक लग चुके? मेरा घट्टो घट भी 18-19 लाख रुपये लग चुका। 18-19 लाख रुपये लग चुका पर अज तक आराम कोई नहीं आया? नहीं अजे तक नहीं आया हूँ इस टाइम कहते ऑपरेशन करवाना ऑपरेशन कराने पैसा मेरे पास नहीं है। किन्ने को पैसे डॉक्टर साहब ने कहे ऑपरेशन तो लगन गए? ऑपरेशन तो घट्टो भी घट 4 लाख रुपया 4 लाख रुपया लगेगा। किन्ने पैसे वो सारे ला चुके हैं? हाँ जी टोटल टोटल ही सारे ला चुके हैं। भाई जी खुर में देख रहे हैं इतने गले इतने की होगा इतने उन्हें पैप पाया सी इतने कौसमी बोल दो पैप। हाँ जी तो भाई जी एक जिदा कि आप कहने के लत्त जमा भी नहीं मोमेंट माड़ी मोटे भी नहीं नहीं कुछ भी नहीं ना अंगूठा ना कुछ भी नहीं हिलता मणके स्ट्रैचर होने के करके कुछ भी नहीं हिल रहा। तो जेकर आप गल करिए उस बाद अमृतसर उत्थे दाखिल आए हो हूँ कितना टाइम हो गया एक डॉक्टर ने कहा कि जो इलाज तो 4.5 लाख या 4 लाख रुपये लगेगा? उन्होंने कहा कि एक साल बाद ऑपरेशन करा सकते हो। ठीक है पहले 3 ऑपरेशन हुए सी मेरे जाने 2 हो गए सी तीसरा कहते सी कर नहीं सकते एक सिर का होया सी मेरा एक लत्त का होया सी लत्त भी टुट गई सी लत्त का ऑपरेशन करता लत्त भी टुट गई सी। हाँ जी लत्त भी टुट गई सी लत्त भी टुटी उन्हें क्या 3 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन हो गया तीसरा असं कर नहीं सकते तीसरा असं 1 साल रोक के करा। जेकर आप परिवार की गल करिए तो परिवार के कौन कौन है? परिवार के 4 मैंबर हैं 2 जी सी आप हैं एक लड़का एक लड़की है। जो बेटा बेटी है थोड़ी कितनी कितनी उम्र है उन्होंने? 10-11-12 साल है दोनों बच्चे 10-11-12 साल उम्र। हाँ जी हाँ जी तो भाई जी जो इन्ने पैसे लग जाने तो घर घर का गुजारा सर्कल सारा हिल जाता कि गुजारा होता उन्हें? हूँ गुजारा बहुत औखा चल रहा हूँ तो बस रिश्तेदार को भैन भरा को फड़ फुड़ के ही है। एक भाई जी आयुष्मान बाबू कार्ड बनता कहते कि इलाज फ्री कोई होंगे उदा का कुछ बनया? मेरा कार्ड बनया है जिथे भी ऑपरेशन होना उत्थे कार्ड नहीं चलता जिथे तुम ऑपरेशन करवा उत्थे कार्ड नहीं चलता उत्थे कार्ड नहीं चलता अमृतसर कार्ड गए हो कार्ड लैके? हाँ कार्ड लैके हाँ ऑपरेशन मेरा दो थी होना जा चंडीगढ़ होना गया चंडीगढ़ चल चलता है ठीक है उत्थे पर चंडीगढ़ पी जी आई सिफारिश की लौड़ हैगी उदा अजक उत्तर पुछता नहीं कोई पी जी आई उदा नहीं कोई पुछता ना ना उदा नहीं पुछता मैं 3 गेड़े ला के आया तो 3 गेड़े गए कि उत्तर बैड नहीं मिले कि कारण हो गया नहीं वो कहें 1 महीना रुक के आई तू मान ला पहला तू कसरत कर मैं कसरत भी करता रहा उत्थे इन्नी कोई पुछगिछ नहीं हैगी है उत्थे जे कोई मंत्री की ज एम पी की जो पुछगिछ मान ला सिफारिश हो तो उत्थे ऑपरेशन हो जाना नहीं तो उदा तो नहीं होना उदा फिर अमृतसर ही है। हुण इन्ना ज़्यादा खर्चा बहुत सारे लोग देख रहे होणगे की अपील करनी चाहोगे? हूँ मैं कहना मेरी वो तो वह हैल्प की जाए मैं भी इन्हें मेरा ऑपरेशन हो जाए तो बच्चों की गां जिंदगी बन जूगी। तो एक बार भाई जी अपना पूरा एड्रैस बोल के दस दौ। मेरा नाम गुरदेव सिंह सन ऑफ चरण सिंह पिंड गौसवाल
ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਉਮਰੋ ਬਿੱਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ? 96531-82-271। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, 96531-82-271। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਊਗਾ ਕੈਮਰਾ, ਇਸ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਜ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਜ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਜ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੋਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।